प्रिय साथियों, मैं सौरभ झाझड़िया प्री श्रम क्लासेस झुंझुनू में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने पीछे क्लोक में दो टाइप पढ़े, उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है, उसमें अपन ने पढ़ा है घंटे की सुई अलग कोण बनाती है, मिनट की सुई अलग बनाती है और सेकंड की सुई अलग कोण बनाती है। तीनों का अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने दूसरी टाइप पढ़ी थी घंटे और मिनट, मिनट और सेकंड, सेकंड और घंटे में समानता, इनके मध्य कोण वाला। आज अपन पढ़ेंगे जब बजे दे रखे हो, समय दे रखा हो, तो समय अपने को जब भी देगा अगला, तो समय देगा तो अपने पास घंटे और मिनट में देगा। कोई भी समय, जैसे मैं आपको कह रहा हूं 8:15, 8:15 घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? तो 8:15 दोस्तों, इसमें दो कोण होंगे, एक लघु कोण होगा और एक दीर्घ कोण होगा। तो वो अपने को किस प्रकार करना है और क्या करना वो देखो। अपने पास क्या है, जब भी इस प्रकार बजे का समय दे रखा हो तो घंटे वाली सुई को किससे मल्टीप्लाई करना है? 30 से मल्टीप्लाई। मिनट वाली सुई को किससे मल्टीप्लाई करना है? 11/2 से मल्टीप्लाई। घंटे वाली सुई को 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ना कोई संख्यात्मक संख्यात्मक मान आएगा। इसी प्रकार मिनट वाली सुई को 11/2 से गुणा करने पर भी संख्यात्मक मान आएगा। क्या आएगा? संख्यात्मक। दोनों से संख्यात्मक मान आ गए। अब इन दोनों संख्यात्मक मानों का अपन क्या करेंगे? अंतर करेंगे। क्या करेंगे? अंतर करेंगे। और वो अंतर ही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कई बार क्या है दोस्तों, अपने पास जो ये अंतर आता है ये ऑप्शन में नहीं मिलता है। तो जब ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो अपन क्या करेंगे, जो अपना ये अंतर आया है इस अंतर को अपन क्या कर देंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। तो 360 में से जो अंतर आया उसको घटा देंगे और घटाने से जो आंसर आएगा वो आंसर है। अब मैंने आपको क्या बताया, जब बजे दे रखे हो तो उस समय, जैसे 8:15, 10:15, 9:15, 10:20, 4:20, तो ऐसे जब कोई समय दिया होगा उसके बीच में दो कोण बनेंगे अपने पास, एक कोण लघु होगा और एक कोण दीर्घ होगा। अपने पास यहाँ पे दोनों संख्यात्मक मानों का अंतर करने के बाद जो अंतर आएगा वो लघु भी आ सकता है, दीर्घ भी आ सकता है। लेकिन अपने पास जो यहाँ पे अंतर आया वो यदि ऑप्शन में नहीं है, विकल्प में नहीं दिया गया, तो अपन उस अंतर को 360 में से माइनस कर, क्योंकि पूरी घड़ी 360 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि वर्ताकार होता है। अब अपने को क्या करना है, कई बार कुछ के दिमाग में ये आ रहा है कि यदि सब दोनों आ जाए तो दोनों या तो आएंगे नहीं, और आ भी जाए तो आपको मत रहता हूँ, इसमें एक तो लघु होगा और एक दीर्घ होगा, एक छोटा कोण होगा और एक बड़ा कोण होगा, एक छोटा मान होगा और एक बड़ा मान होगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अपना जो आंसर क्लियर करेक्ट 100% जो सत्य माना जाएगा दोनों मान आने के बाद, तो वो छोटा कोण माना जाएगा, बड़े वाले को नहीं माना जाएगा। जैसे मैं आपको कह रहा हूं 8:15 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतराल होगा, तो 8 घंटे वाली सुई, 15 मिनट वाली सुई, तो घंटे वाली सुई को किससे मल्टीप्लाई करना है? 30 से मल्टीप्लाई करना है। मिनट वाली सुई को किससे मल्टीप्लाई करना है? 11/2 से मल्टीप्लाई। 8 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास कितना आएगा? 240। लेकिन अपने पास 15 को 11/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 11 कितना हो गया? 165। बटे में कितना है? 2। इसको काटेंगे दोस्तों तो अपने पास कितना आ जाएगा? 82.5। दो अपने पास संख्यात्मक मान आ गए। दो संख्यात्मक मान कौन कौन से आ गए दोस्तों अपने पास?
एक तो आ गया 240 और एक मान आ गया आपके पास 82.5, तो 240 और 82.5 का अंतर कर दो आप। जो ही आप अंतर करोगे तो आपके पास अंतर कितना आएगा, 157.5। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। कई बार क्या होता है दोस्तों, अपने पास ये 157.5 ऑप्शन में नहीं होता है, तो अपन क्या करेंगे, 157.5 को 360 में से फिर माइनस कर देंगे। तो 157.5 को 360 में से माइनस करेंगे, 157.5 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 202.5। एक तो अपने पास ये आया है और एक अपने पास ये, दोनों मानों को यदि आप ऐड करोगे तो अपने पास कितना डिग्री, 360 डिग्री बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, 5 और 5 10, पॉइंट क्या है, 0 आ गया। फिर अपने पास 7 और 2 9 और 1 10, 0 एक असल लग गई, 5 और 1 0 और 1 कितना बैच है, 2 और 1 3, 360 बन गया, क्योंकि अपने पास घड़ी में 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ पे अपने पास 157 और 202.5 डिग्री आ गया। अपने को ये नहीं पता कि अब सही कौन सा है, तो अपने पास पहली बात ऑप्शन में 157 है तो 157 सही है, ऑप्शन में 202.5 है तो 202.5 सही है, लेकिन यदि ऑप्शन में दोनों आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, छोटा मान हमेशा सत्य माना जाएगा। तो छोटा मान क्या है, 157.5। एक लघु होता है और एक दीर्घ होता है, तो हमेशा आंसर लघु आएगा, दीर्घ नहीं आएगा। समझ में आ गई दोस्तों। इसी प्रकार मैं एक प्रश्न और ले रहा हूं, जैसे 9:15, कितना 9:15 बजे, तो मैंने आपको क्या बताया कि 9:15 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा। तो दोनों सुइयां कौन कौन सी हैं, ये घंटे वाली और ये क्या है, मिनट वाली है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, 9 को किससे गुणा करना है, 9 क्या है, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई को किससे गुणा करना है, 30 से गुणा करना है। मिनट वाली सुई को किससे गुणा करना है, 11/2 से गुणा करना है। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 270। 9 × 30 = 270, संख्यात्मक मान आ गया। इसी प्रकार अपने पास 15 × 11 कितना हो गया, 165, बटे में कितना है, 2, कैंसिल करोगे कितना हो गया, 82.5। संख्यात्मक मान 15 × 11/2 82.5, 9 × 30 270। अब अपने पास दो संख्यात्मक मान आ गए, अब इन दोनों संख्यात्मक मानों का अपने को क्या करना है दोस्तों, अंतर करना है। तो अंतर करेंगे तो 270 में से 82.5 माइनस करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 187.5 अपना ये आंसर होगा। लेकिन कई बार अपने पास ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो ऑप्शन में नहीं मिलता तो अपन क्या करेंगे, इसको 360 में से 187.5 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 360 को 360 में से 187.5 माइनस करोगे तो अपने पास 172.5 आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दोनों दो कोण बनेंगे, दोनों कोणों का मान 360 डिग्री होगा। तो देख लो, 360 बनाएगा, 5 और 5 10 0, 7 और 2 9, एक असल लगी थी 10 0 एक असल लगी, 8 7 15 और 1 16 एक असल लगी, 1 1 2 और एक असल कितनी हो गई, 3, 360 हो गया। अब 360 में अपने पास इसमें से अपने को आंसर लेना है, तो अधिकतम बार ऑप्शन में क्या आता है, लघु कोण आता है, दीर्घ कोण नहीं आता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, रियल आंसर 172.5 डिग्री, ये रियल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का रियल आंसर ये हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में
यहाँ देखना 8 15 में 157 दे रखा, तो 157 157 नहीं दे रखा हो तब अपना आंसर 202.5 आएगा। दोनों दे रखे हो तो अपने को 157.5 सत्य मानना है। यहाँ पे आंसर 187.5 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 187.5 नहीं दे रखा हो तो ऑप्शन में 172.5 आएगा, 172.5 सही हो जाएगा। और यदि ऑप्शन में दोनों दे रखे हो तो हमेशा ध्यान रखना 172.5 को सत्य माना जाएगा। क्लियर है दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि जो भी पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है आपके, और यदि समझ में नहीं आ रहा है किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो और कमेंट में लिख के बताओ। अब इसमें देखो एक अपने कैलकुलेशन की कि 8 15 यहाँ पे मान 157 360 में से घटाने के बाद 202 आया, यहाँ पे कौन सा छोटा मान आया, यहाँ पे बड़ा मान आ गया। अब कईयों के दिमाग में आना है कि सर यहाँ पे अंतर किया तो छोटा मान आया, लेकिन 215 का जब अंतर किया तो 187.5 आया है। कोई बड़ी बात नहीं है, अंतर करने के बाद लघु भी आ सकता है दीर्घ भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को सिर्फ और सिर्फ अंतर करना है, और वो अंतर यदि ऑप्शन में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 360 में से घटा दो वो मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दोनों मिल जाए तो छोटे वाले को प्राथमिकता देनी। समझ में आई दोस्तों? क्लियर है? मेरे को उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और फिर भी आपके किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, और अपने साथियों को भी कहें कि इसको लाइक करो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।